आजकल शहर में ऑटो चलाने वालों ने उत्पात सा मचा रखा है, जिसके वजह से शहर में शरीफ लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। आज दोपहर में कचहरी रेलवे ढाला के पास तेज गति से आ रही एक अनियंत्रित टेम्पो ने प्रोफेसर इसरार अहमद को उस समय ठोकर मार दिया जब वो अपने कॉलेज से घर लौट रहे थे। लेकिन हद तो तब हो गई जब उल्टे टेम्पो चालक ने गाड़ी को रोककर प्रोफेसर इसरार के साथ उलझ गया और एक डंडे से उनके ऊपर प्रहार कर दिया, जिसके कारण उनका सर फट गया। लोगों ने बीच बचाव करके खून से लथपथ प्रोफेसर इसरार अहमद को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। हालांकि प्रोफेसर साहब ने इस घटना की जानकारी मुफस्सिल थाना को दे दी है। अब देखना यह है कि पुलिस उस कथित टेम्पो चालक पर क्या कार्रवाई कर पाती है और कब तक उसे गिरफ्तार कर पाती है, यह तो अब आने वाला समय ही बताएगा। मैं प्रोफेसर आरमन दरोगा प्रसाद राय कॉलेज से अपने घर के आने के क्रम में अग्रवाल पंप के पास एक टेम्पो वाला, जिसका नंबर BR 29A 2335 है, वो बहुत तेज़ आया और मेरे बाइक में सटा दिया। मैंने कहा ठीक से नहीं चला रहे हो, इसी पर उतर के वो हमसे गाली गलौज करने लगा और मारपीट करने लगा और मारा हमारे सर पे पीछे पे, जो अभी तक खून बह रहा है। मैं हॉस्पिटल में आया हूँ इसका ये प्राथमिक उपचार के लिए और मैं FIR मुफस्सिल थाना में कर चुका हूँ। कौन नहीं, गाड़ी नंबर आया है वो लड़के को पता, मैं पहचान लूँगा, देखूँगा तो मैं पहचान लूँगा।